कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बखान गुलजार के आम मीठे भी हों और बहुत हों। आम पे दवा नहीं है। भाई हकीम साहब एक आम तो चख लीजिए। जी नहीं, मैं एक भी नहीं खाता। शुक्रिया, मैं अपने शरबत से। भाई मिर्जा जी, तुम्हारा दीवान तो बहुत मकबूल हो गया है। सुना है लखनऊ में दूसरे शाह की तैयारियां हो रही हैं। नवाब बाजिद अली शाह सुना है अशर्फियों में तुलवा रहे हैं उसे। वो तो अच्छा कर रहे हैं। वैसे तुलवा के दीवान वो रख लें, अशर्फियां मुझे भेज दे तो। भाई मुफ्ती साहब, आपने आम की मेहंदी खूब लगाई है दाढ़ी में। भाई मुफ्ती साहब, आप पे बुढ़ापा ना आया। आपके बाल अब भी उतने ही सफेद हैं जितने जवानी में थे। आमाल के बावजूद काले ना हुए। भाई मिर्जा, वो बादशाह सलामत के सामने जो गुजारिश पढ़ी थी तुमने, वो हमें लिख दो। मुफ्ती साहब, याद नहीं है। भाई क्या है वो, हम भी सुने। अजी बहुत उम्दा थी। अरे कुछ नहीं हाजी साहब, किले का दस्तूर है कि मुलाजिमों को तनख्वाह साल में दो बार मटेगी, लिहाजा हमें भी छमाही तनख्वाह मिलेगी। भाई रोजमर्रा की जरूरियात का क्या होगा, फिर वही महाजन और महाजन का सूद। तो हमने बादशाह से एक गुजारिश की। जी अजी साहब, वहीं के वहीं फिलबदी कह के पढ़ दिया, हमें लिखने तक की मोहलत न दी। मैं फरमाया क्या, जरा हम भी तो सुने। अब सारे अशार तो याद नहीं है, कुछ इस तरह था कि ऐ शहंशाह आसमां और अंग जहांदार आफताब आसार, पार नौकर भी हो गया सद शुक्र, नस्बतें हो गई मुशख्खस चार। क्या था, क्यों न हो दरकार मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूँ है अगरचे बार। भाई याद नहीं है मुझे। अल्लाह तुम्हें नेकी दे, वो भूल गए तुम। हाँ, रस्म मुर्दा की है छमाही एक, खल्क का है इसी चलन के मदार। वाह, देखो तुम बकायदे हयात और छमाही हो साल में दो बार। कुछ खरीदा नहीं अब की साल, कुछ बनाया नहीं अब की बार, रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाए हैं ऐसे लैलो नहा। बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहब। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता न हो मुझे जिंदगी दुश्वार। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। और बादशाह सलामत ने फौरन अर्जी मंजूर कर दी। अच्छा जी, मिर्ज़ा खूब कर। बहुत। अरे भाई ये कहाँ से। अरे भाईजान, अरे भाईजान, इसे आप उधर की गली से ले जाइए। क्यों सबको उठवाना चाहते हैं? मिर्ज़ा, अब कुछ देखा आपने, गधे ने आम सूंघ कर छोड़ दिया। मिर्ज़ा आम तो गधे भी नहीं खाते। जी गधे हैं जो आम नहीं खाते। क्या की कैसी चिपकी, कैसी चिपकाई है। अरे आदाब हुजूर। आदाब असकलू मियां। आदाब हजरात। आदाब। आदाब। आदाब असद भाई। आदाब। कहो कैसे आना हुआ। असद भाई, आप तो शाही दरबार तक पहुंच गए हैं, जरा बादशाह सलामत से कहिए कि हमारी पेंशन का फैसला तो करवा दें। वो मामला उनके हाथ में नहीं है शम्स। तो उनसे कहिए कि रेजिडेंट से कहलवा दें। ये सारा मामला
विलियम फ्रेजर के हाथ में है। अगर वो चाहे तो एक दिन में फैसला करवा सकता है। देखो शम्स, तुम्हारे कहने से मैं कलकत्ता तक गया और खामखा खार हुआ। अब वो मामला मैं हरगिज नहीं उठाना चाहता। हाँ, मुझसे कोई माली मदद दरकार हो तो मैं तैयार हूं। ठीक है, विलियम फ्रेजर से मैं खुद ही मिलूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल्लू मियां जी, ये जो खत है मुंशी जवाहर सिंह जौहर के नाम, इसे तो कल सुबह ही सुपुर्द डाक कर देना। बाकी कल जब लिफाफे बन जाएंगे तब भेज देंगे। कागज मैंने काट दिया है, कल दोनों बैठ के गोंद से चिपका देंगे। जी अच्छा हुजूर। अजीजम जवाहर सिंह जौहर, मुझे टोपी की हाजत नहीं, अलबत्ता रेशमी लुंगी चाहता हूँ जैसी पेशावर और मुल्तान में बनती हैं। लेकिन ऐसी लुंगी हो कि उसके रंग शोख और अंगुश्त नुमा ना हो, हाशिया सुर्ख ना हो, काम अगरचे नाजुक और नफीस हो लेकिन सोने और चांदी के तार उसमें सर्फ ना हुए हों। अब रेशम, सियाह और सब्ज और खाकस्तरी और जर्द तलाश करें और मुहैया करके डाक से मुझे भेज दें, और कीमत भी लिखें। अगर कीमत नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं लेने का। लुंगी के भेजने में तवक्कुफ और कीमत के लिखने में तकल्लुफ ना किया जाए। असदुल्लाह खान गालिब। अयाज मियाँ जी, जरा दुकान का ख्याल रखना। जी मैं बस गया और आया। अगर मिर्जा गालिब आ जाए तो रुकने को कहना, मैं उन्हीं की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक। बीवी सुनो। तस्लीम अर्ज करती हूँ हाजी साहब। तस्लीम, मिर्जा है घर पे? अजी कहाँ, सुबह सबेले ही निकल जाते हैं तैयार होके। बादशाह सलामत किले में जो बुला लेते उन्हें, सलाह मशवले की जरूरत पलती होगी उन्हें। भाई वहाँ तो रसाई है नहीं हमारी। दोपहर का खाना खाने तो गालिबन घर पे ही आएंगे ना? हाँ, दोपहर को तो जरूर आएंगे। बादशाह सलामत ने बेसनी लोटी जो भेजी है उनके लिए, शाही खादिम खुद आए थे देने के लिए। भाई उनसे अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अयाज मियां जी, ये सारा बाजार बंद हो गया, क्या हुआ? होना क्या है मीर साहब, ये अंग्रेज वबा की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में। ये ताजिर और सौदागर नहीं है मीर साहब, ये शैतान के कारकुन है, शैतान के कारकुन। लगता है धीरे धीरे हिंदुस्तान को घुन लगता जा रहा है, दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में ये लोग। कभी सूरज को ग्रहण लगते हुए देखा है आपने? बिल्कुल वही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और हुआ क्या? अजी ये भी कोई बात हुई, जब जी चाहा किसी को पकड़ लिया, जब जी चाहा किसी को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये लोग होते कौन है? किसे गिरफ्तार कर लिया? किसे गिरफ्तार कर लिया? अपने नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गए और मटिया ब्रिज में उन्हें नजर बंद किया है। पर गिरफ्तार किसने किया? अंग्रेजों ने, और किसने मीर साहब? भाई मैं पूछ रहा हूँ, गिरफ्तार करने वाले सिपाही कौन थे? अपने हिंदुस्तानी थे मीर साहब,
और उन हिंदुस्तानियों को शर्म नहीं आई नवाब साहब को गिरफ्तार करते हुए उन पे हाथ डालते हुए उनका जमीर मर गया था ना को मेरी ना ही बेगाना ना को मेरी ना ही बेगाना सकल संग हमको बन आई बिसर गई सब साथ पराई बिसर गई सब साथ पराई लीजिए हुजूर सुना है किसी पठान ने मारा है उसे नहीं मैं जानता हूं विलियम फ्रेजर को किसने मारा है वही होगा जरूर वही है कौन है हुजूर है एक नवाब एक लुटा हुआ पिटा हुआ नवाब अल्लाह मिर्जा साहब आदाब एक बड़ी बुरी खबर है हाजी जी ने मुझे आपके पास भेजा है बताने के लिए नवाब शमसुद्दीन को आज सुबह ही कश्मीरी दरवाजे के बाहर फांसी दे दी गई और आप खुदा के लिए बाहर मत निकलिएगा बाहर दंगा हो रहा है तमाम शहर में गोलियां चल रही हैं आप घर तशरीफ ले जाइए खुदा हाफिज दिन था हर तरफ सवारों के दौड़ने और प्यादों के पहुंचने का शोर मच गया अंग्रेजों के कत्ल के बाद बागियों ने शहर में जा बजा डेरे डाल दिए किले में बागी शाही को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया बादशाह ना इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकता था ना उसका इंतजाम कर सकता था लिहाजा खुद लश्कर के काबू में आ गए लड़ाई शुरू हो गई रात दिन पत्थरों की तरह गोले बरसने लगे अंग्रेजों का लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो लोग बिला इम्तियाज कत्ल होने लगे शहर में जो बागी रह गए थे उन्होंने मुकाबला किया 3 रोज तक कश्मीरी दरवाजे से लेकर चांदनी चौक तक मैदान जंग बना रहा शहर के तमाम मकान और दुकानें बंद हो गई थीं, सामान खुर्दनोश खत्म हो गया मैं बरसा तो चादर तान कर लोगों ने पानी जमा किया चार माह और 4 दिन के बाद अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज हो गए उनके लश्कर रात रात भर गश्त किया करते थे
कौन है? कौन है कल्लू? जी पता नहीं हुजूर, मैं देखता हूँ। नहीं ठहरो ठहरो, मैं भी आता हूँ। ठहरो कल्लू ठहरो, मैं देखता हूँ। साहब महाराजा पटियाला के सिपाही हैं। राजा नरेंद्र सिंह के? जी, हम एक बुरी खबर लाए हैं गालिब साहब, आपके भाई यूसुफ मिर्जा पूरे हो गए। हैं? पूरे हो गए? मर गए? हम सब सो रहे थे, न जाने मिर्जा कब उठे और दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। कुछ सिपाही गश्त पर थे, उन्हीं में से किसी एक की गोली से वो हलाक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें महाराजा साहब ने शरीफ खानी हकीम महमूद खान की हिफाजत के लिए रखा है। उन्होंने हमसे कहा आपको खबर करें। कल्लू आओ, रोशनी दो। गालिब साहब, आप इस वक्त गली से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा हुक्म है। बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे भाई का कफन दफन कौन करेगा? बाहर बहुत ज्यादा तनाव है हुजूर, बड़ी मुश्किल से इनको मेरे साथ भेजा है। आप अगर नहीं जाए तो अच्छा है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। साल गोरखन ईंट चूना गारा, मैयत को कहां ले जाऊं, किस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करूं। पड़ोसियों ने मेरी तन्हाई पे रहम किया और उस काम को अंजाम दिया। दो तीन सफेद चादरें घर से ली, दो मेरे मुलाजिम, महाराजा पटियाला का एक सिपाही और गली के सिरे पर तहफुर खान की मस्जिद के सहन में गढ़ा खोदा और मैयत को उसमें उतार कर मिट्टी से पाट दिया। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है।
ने मुजदाए विसालना नजारे जमाल ने मुजदाए विसालना नजारे मुद्दत हुई के आशती ये चश्मों गोश है शब की जली हुई दावे फिराक सोहबत शब की जली हुई एक शम्मा रह गई ظلمت قدم میری شب غم کا جوش ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خام نوائے سروش ہے ظلمت قدم میرے شب غم کا جوش ہے ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے ظلمت قدر